नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू में। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई अनबॉक्सिंग लेके आया हूं जिसका आपको इंतजार था। सो दोस्तों, आज अपन अनबॉक्स करेंगे एक रिमोट कंट्रोलर कार जो मैंने ऑर्डर की थी, जिसकी मुझे आज डिलीवरी मिली है। सो दोस्तों, जैसा कि अपन अनबॉक्सिंग करेंगे, आप पैकेजिंग देख सकते हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है फ्लिपकार्ट की। तो लेट्स अनबॉक्सिंग दिस प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो गाड़ी का बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसको। सेफ्टी के लिए अपन को ये दिया गया है, जिसको अपन को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बॉक्स है अपने पास। को यहाँ से अपन ओपन करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर की ये जो है कार है, काफी अच्छी कार है। लुक वाइज देखा जाए तो काफी अच्छी लुक लग रहा है इसका, और थोड़ी देर के अंदर अपने हाथ में होगी ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कार का लुक, आप देख सकते हैं। बैटरी इसके अंदर आई है, इंसर्ट होके नहीं आई है बाहर, अपन को इसकी इसकी बैटरी मिली है। तो दोस्तों, अपन को इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए अपन को यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर की ये अपने पास रिमोट कंट्रोलर इसका है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, रिमोट कंट्रोलर कंपनी ने चेंज कर दिया है, मैंने आज ही फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे देखा। अब जो भी रिमोट कंट्रोलर आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। तो दोस्तों, ये खुल नहीं पा रहा है इसको। तो दोस्तों, ये ओपन हो गया है। सेफ्टी के लिए इसको इसमें दिया गया था। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कार का, काफ़ी अच्छा लुक है, फ्लेक्सिबल कार है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर शोकर है, और ये इसका जो है आगे पीछे करने के लिए, अपन को साइड वाइड के लिए अपन को दिया गया है। आपको दिखा दूँ, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके शोकर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से ये ऑन ऑफ का है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इसको यहाँ से अपन को ओपन करना पड़ेगा, और इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं इसको यहाँ से खोलने के लिए खोलता हूँ। तो दोस्तों, अपने यहाँ से इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसा कि अपने पास ये बैटरी है, और ये इसकी बैटरी है जिसकी मदद से ये चलेगी, और ये अपन को चार्जिंग केबल मिलती है इसके अंदर। ये चार्जिंग केबल आप देख पा रहे हैं, चार्जिंग केबल इसमें मिलती है अपन, जिसकी हेल्प से अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपन को यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए इसको। ये इंसर्ट हो चुकी है। फिर एडजस्ट अपन को इसको अपन की सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
दोस्तों जैसे कि अपन देख पा रहे हैं अभी इसमें बैटरी चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही है। सो इसको चेक करने के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो है इसका रिमोट है, काफ़ी अच्छा रिमोट है ये। जो अपन को सोर्स दिया जाता है वो इसको राइट आगे पीछे करने के लिए दिया जाता है, और ये जो बटन है इसके अपन इसकी रेस कंट्रोल करते हैं। सो दोस्तों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको इसको रिमोट कंट्रोलर जो है उसके अंदर इसमें बैटरी लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से सेल इंसर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों, आप देख सकते हैं कार यहाँ पे रेगुलर चालू हो चुकी है। तो दोस्तों एक बात मैं इसमें बता दूँ, इसके अंदर अपन को लाइट नहीं दी गई है, लेकिन प्रोडक्ट देखा जाए तो मैं आपको नीचे चला के दिखा देता हूँ इसको। दोस्तों चलने में काफ़ी अच्छी है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।